हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभ्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया के फर्स्ट नेशनल पार्क्स में से एक है और ये पार्क बंगाल टाइगर के लिए बहुत पॉपुलर है। वैसे तो ये जंगल एकड़ तक फैला हुआ है, लेकिन इसकी सफारी शुरू होती है उत्तराखंड के रामनगर के एक छोटे से टाउन से। वैसे मैंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का मेरे एक्सपीरियंस का फुल वीडियो भी बनाया हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है एंड यू कैन क्लिक ऑन द टैब अबव। सो जिम कॉर्बेट को विजिट करने का बेस्ट सीजन क्या है? बेस्ट सीजन टू विजिट जिम कॉर्बेट इज नवंबर टू मार्च। इस टाइम पे टाइगर साइटिंग्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप जिम कॉर्बेट को मानसून में विजिट करना चाहते हैं तो ध्यान रहिए, यहाँ पे बहुत सारे जोन्स हैं जो मानसून के टाइम पे बंद रहते हैं और सिर्फ एक ही जोन खुला रहता है जिसका नाम है झिरना। इस पार्क को मैनेज करने के लिए इसको 8 जोन्स में बांटा गया है और कौन सा जोन सबसे अच्छा जोन है टू स्पॉट ऑल द वाइल्ड लाइफ, ये मैं अब आपको बताऊंगी। यहाँ पर 3 जोन्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं जीप सफारी या किसी भी टाइप की सफारी के लिए। पहला जोन है ढिकाला। ढिकाला में जीप सफारी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ऐसी कैंटर बसेस चलती हैं जहाँ पे 30 से 40 टूरिस्ट एक साथ इस सफारी के लिए जा सकते हैं और ये जोन अपने वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगला जोन जो इक्वली पॉपुलर है वो है झिरना। यहाँ पर टाइगर देखने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है और यहाँ पर जंगली भालू भी देखे जाते हैं और इसीलिए ये जोन हमेशा फुल रहता है। तीसरा बहुत पॉपुलर जोन है ढेला। ये जोन अपने अलग अलग लैंडस्केप्स यानी घने जंगल, नदी, लेक्स और तालाबों के लिए बहुत पॉपुलर है और यहाँ पे भी बहुत सारे जानवर देखे जाते हैं। ध्यान रहे, ये सफारी 3 से 4 महीने पहले फुल हो जाती हैं, तो आपको इनको एडवांस में ही बुक करना पड़ेगा। अगर आप इनको बुक करना चाहते हैं तो आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ऑफिशियल वेबसाइट से इनको बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए आप जानते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए रामनगर हम कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप कार प्रेफर करते हैं तो जिम कॉर्बेट दिल्ली से 5 से 6 घंटे की दूरी पर है। रोड्स अच्छी बनी हुई हैं और रास्ता भी काफ़ी सुहावना है। आप आराम से रामनगर बाय कार या टैक्सी पहुंच जाएंगे। वैसे दिल्ली से रामनगर की डेली बसेस भी चलती हैं जो डीसेंट चार्जेस के साथ रामनगर पहुँचा देती हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी रामनगर ही है, जहां से हरिद्वार, लखनऊ, दिल्ली से रेगुलर ट्रेन्स चलती हैं। होटल्स की बात करें तो रामनगर में पार्क के बाहर ही कई तरीके के रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, जो आपको आपके बजट के हिसाब से मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन फोरम का यूज़ करके भी इनको आराम से बुक कर सकते हैं। यहाँ पर कई कैफेज़ हैं जहाँ पर आप अपने पसंदीदा खाना खा सकते हैं और साफ़ सुथरा और एम्बियंस के साथ इस छुट्टियों को इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कई कैफेज़ भी हैं जहाँ पर आपको आपके पसंद का खाना और हर तरीके का कुजीन भी मिल जाएगा। एक प्रो टिप, रामनगर से नैनीताल ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपके पास अगर टाइम है तो आप नैनीताल भी घूमकर आ सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर माई व्लॉग टुडे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।